बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम ये जो एमसीक्यू है उसको करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसका आंसर करना है। विशाखादत्त ने किस राजा को नपुंसक कहा? तो आपको यहाँ से कुछ एक चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि अगर हम बातचीत करें तो विशाखादत्त की एक किताब है और उस किताब का नाम जो है मुद्रा राक्षस है। क्या है? मुद्रा राक्षस है। इस मुद्रा राक्षस में विशाखादत्त ने जो बातचीत की है वो ये बातचीत की है कि गुप्त वंश का एक ऐसा राजा हुआ जिसका नाम रामगुप्त था। जब शकों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो इस राजा ने अपनी जनता की जो सुरक्षा करने के लिए अपनी बेटी ध्रुव देवी को शकों के हवाले कर दिया। दूसरे जो राजा है गुप्त वंश के, उनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात अच्छी नहीं लगती है और ये क्या करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, शकों के अगेंस्ट षड्यंत्र रचाते हैं और इस षड्यंत्र में जो उनकी भाभी ध्रुव देवी है उनको वापस भी ले आते हैं, ध्रुव देवी। उसके बाद कुछ एक इतिहासकार ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, इनके साथ शादी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके साथ शादी कर लेते हैं। तो क्या याद रखना, रामगुप्त के ऊपर आक्रमण किसका होता है? शकों का। ये अपनी प्रजा और अपनी शान को बचाने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हवाले कर देते हैं। ध्रुव देवी जो है उसको हवाले कर देते हैं। किसके हवाले करते हैं? शकों के हवाले करते हैं। और ये जो शक है, शकों के हवाले करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये होती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से ध्रुव देवी को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। तो ये जो घटना है, विशाखादत्त अपनी मुद्रा राक्षस किताब जो संस्कृत में लिखी हुई है, एक नाटक है, इसमें रामगुप्त को नपुंसक राजा कहते हैं। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी। जब भी बातचीत आए तो कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी है। श्री गुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप चंद्रगुप्त को कर सकते हैं कि वो क्या थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे। उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब गुप्त वंश की बातचीत आए तो गुप्त वंश के समय में कुछ एक घटनाएं होती है। नंबर वन, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। नंबर वन, जो मंदिर और मूर्ति इकट्ठी अस्तित्व में आई तो वो गुप्तों के टाइम में आई। स्थापत्य कला जो थी उसकी वजह से जो गुप्त काल है उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त को महान राजा की उपाधि दी गई है। कुमार गुप्त जो है वो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है बिहार में उसके संस्थापक माने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। स्कंदगुप्त जो है उनके समय में हूणों के सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं, तो ये भी हमारे लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, किसने 1300 किताबों का संस्कृत से फारसी
भाषा में अनुवाद करवाया। ऑप्शन ए है इजुद्दीन खालिद खानी, नसीरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक। देखो ये जो आपके सामने ऑप्शन है ये सारे के सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो ये फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने 1365 के आस पड़ोस में कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया और उस वक्त कांगड़ा के राजा रूपचंद है, कांगड़ा के राजा रूपचंद है। जब ये आक्रमण करते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक, तो उस दौरान जो ज्वालाजी मंदिर है, ज्वाला माँ का जो मंदिर है, वहां से ये 1300 जो संस्कृत की किताबें हैं उसे ले जाते हैं। और ये जो किताबें हैं ये किस किस की किताबें हैं, ये 1300 किताबें किसकी किसकी किताबें हैं, दर्शन शास्त्र, देवीय शक्ति। देवीय शक्ति के साथ साथ ही इसमें कई अन्य अद्भुत घटनाओं का वर्णन किया है। इन किताबों को ले जाने के बाद इन किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया जाता है, जो इसको करने वाले व्यक्ति है, ऐसा काम जो करते हैं वो है इजुद्दीन खालिद खानी। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है? दूसरी बात, ज्वालाजी मंदिर जो है वो गुबंद शैली में बना हुआ है। ये गुबंद शैली जो है ये मुगलों की देन है। मुगलों के टाइम में ये शैली प्रचलित थी और इसी टाइम में इसकी उत्पत्ति हुई। एक दरवाजा है ज्वालाजी मंदिर में, उस दरवाजे को चांदी जो चढ़वाया वो पंजाब का एक राजा खड़क सिंह था, उसने चढ़वाया, खड़क सिंह। उसके बाद एक सोने की गुबंद बनवाई है, सोने की गुबंद। और ये जो सोने की गुबंद है इस गुबंद को किसने बनाया है, इस गुबंद को महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया है, महाराजा रणजीत सिंह। जब ये सारी की सारी बातें आपको पता चल जाती है तो जो ज्वालाजी है वहां पर प्राकृतिक गैस के अवशेष देखने को मिले हैं। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी रेशम की किस्म है बॉम्बेक्स मोरी, मलबरी, मुगा, एरी तसार, उपरोक्त सभी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रेशम की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे के सारे सही है। अगर रेशम की हिमाचल प्रदेश में बातचीत की जाए तो नगरोटा बगवा जो है उस रीजन से हिमाचल प्रदेश में रेशम की खेती को प्रोत्साहन दिया गया और वहीं पर पहली बार इस खेतीबाड़ी को किया गया। कोकून एक कीट होता है वो इस खेती को करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब कोकून के बारे में आपको पता चल जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम का जनक देश जो है वो किसे कहा जाता है, वो चीन को कहा जाता है और चीन ही इस के उत्पादन में फर्स्ट प्लेस पर भी देखने को मिलता है। तो यही यहां से आपको अच्छे से याद रखना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस स्थल पर स्थित है, जोगिंदरनगर, सुंदरनगर, गुम्बा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर जो है सुंदरनगर है। सुंदरनगर जो है इसका सही आंसर होगा
सुंदरनगर में ये आपको फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देखने को मिलता है। अब जो जोगिंदर नगर है वहां पर राजस्व प्रशिक्षण केंद्र है। कौन सा केंद्र है? राजस्व प्रशिक्षण केंद्र है। राजस्व जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है? राजस्व जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है? वो जोगिंदर नगर में है। जोगिंदर नगर में ही शानन प्रोजेक्ट भी है। शानन प्रोजेक्ट, शानन प्रोजेक्ट जो है ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। शानन प्रोजेक्ट, शानन प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर? ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर ब्यास ऑप्शन में ना हो तो ब्यास की जो ट्रिब्यूटरी है उल, जो धौलाधर से निकलती है, उसके ऊपर ये बना हुआ है। उसके बाद गुम्मा जो है, गुम्मा एक चट्टान है और यहां से नमक मिलता है, सैंधव नमक मिलता है। कैसा नमक? सैंधव नमक मिलता है। किसान प्रशिक्षण केंद्र, किसान प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, किसान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? जो आपका सुंदरनगर है वहां पर स्थित है। सुंदरनगर की जब भी बातचीत आए तो सुंदरनगर का जो पुराना नाम था वनेड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वनेड हुआ करता था। और इसके जो संस्थापक थे गरुड़सेन, गरुड़सेन सुकेत की ये राजधानी हुआ करती थी, सुकेत की ये राजधानी हुआ करती थी। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, यहां से याद रखनी है। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का फल अनुसंधान केंद्र स्थान कहां पर स्थित है? कुफरी, मशोबरा, नारकंडा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश का जो फल अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है, इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है कुफरी, मशोबरा, नारकंडा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बातचीत की जाए तो फल अनुसंधान जो है मशोबरा में है। मशोबरा में कहां पर है? मशोबरा में। अब मशोबरा में एक हिप्पा भी है। जब कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्जाम होता है उसको पास करके जाता है तो वहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी। साथ में 1974 में एचआरटीसी की भी स्थापना हुई, एचआरटीसी की भी स्थापना हुई। इसी दौरान हमारे हिमाचल में वन विभाग जो था उसको भी बनाया गया। तो हिप्पा के साथ साथ ये आपको क्या याद रखना है, जो मशोबरा में क्या क्या है? नंबर वन जो है, नंबर वन पे हिप्पा अच्छे से याद रखना। हिप्पा यहीं पर है। कब सेटअप हुआ? 1974 में। 1974 में और क्या सेटअप हुआ? एचआरटीसी, एचआरटीसी के साथ वन विभाग, हिमाचल प्रदेश का वन विभाग जो है इसी वक्त बना, वन विभाग। सारी की सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाती है, ये सारी की सारी जब चीजें आपको पता चल जाती है तो आगे चलते हैं कुफरी की तरफ। देखो कुफरी में जो है आलू अनुसंधान प्रोसेसिंग सेंटर है, पोटैटो रिसर्च सेंटर है, आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू अनुसंधान केंद्र है। यह चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कुफरी से कुछ दूरी पर चीनी बंगला, जो टूरिस्ट प्लेस है वो देखने को मिलता है। कुफरी से कुछ दूरी पर चीनी बंगला जो एक टूरिस्ट प्लेस है वो देखने को मिलता है। नारकंडा की बातचीत की जाए तो हिमाचल प्रदेश की छोटी नगर पंचायत है ये, सबसे छोटी जो नगर पंचायत है वो नारकंडा है। कौन सी है? नारकंडा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से काफी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। अब बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किसको माना जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, आत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर जो है आत्रेय, इसका सही आंसर है, इसको अच्छे से याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि जो नागा अर्जुन है वो कौन है और किसके राज दरबारी कवि है नागार्जुन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान थे,
मलिक मोहम्मद जैसी, अबुल फजल, चंदर बरदाई। मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कवि थे, तो इनका नाम जो लिया जाता है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अच्छे से याद रखना, जो हिंदी विद्वान है मुगल काल में है और हिंदी के विद्वान हैं, क्योंकि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। जो राजकाज के काम हुआ करते थे वो फारसी में हुआ करते थे, फारसी में। ये चीज़ याद रखनी। अबुल फजल जो है ये अकबर के समकालीन है और इन्होंने आईने ए अकबरी के साथ साथ ही अकबरनामा किताबें लिखी हुई है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य है। इसे हिंदी का क्या कहा जाता है? हिंदी का महाकाव्य। तो ये चीज आपको क्या करनी है, यहां से याद रखनी थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन सा चित्रकार चंबा का चित्रकार नहीं था? देखो, मंगू, गुंजरू, बनवारी, मुकुंद, मनकू, इनमें से चंबा का कौन सा चित्रकार नहीं था? तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर मनकू है। जो मनकू है राजा संसारचंद के टाइम में कांगड़ा का चित्रकार है, और सारे के सारे ये जितने भी है याद रखिएगा, ये चंबा के चित्रकार देखने को मिलेंगे। कौन सा रूप सही नहीं है? हिमाचल का फेर का क्वेश्चन है, जो हमारे फेर होते हैं। कौन सा रूप सही नहीं है? सॉरी, कौन सा रूप सही है? लिस्सू पांगी। ये बैसाखी के संबंध में है, ये जो ऑप्शन है ये बैसाखी को अलग अलग जिलों में क्या कहा जाता है? तो जो बैसाखी है उसको लिस्सू पांगी में कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। 20 उसको किन्नौर में कहा जाता है। और बिसुआ उसको कांगड़ा में कहा जाता है। और बिशु की बात की जाए तो बिशु उसको शिमला के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला के लोग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसके आंसर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऐसी स्थिति जिसमें कुल लागत के समान कुल राजस्व हो तो कहलाती है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है कि आपका जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ उतना ही आपने खर्चा किया। राजस्व क्या होता है? जो टैक्स होता है उसको हम राजस्व कहते हैं। और अगर जितना राजस्व कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट के पास उतना ही खर्च कर देती है गवर्नमेंट, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? उस सिचुएशन को हम सम बिंदु विच्छेद कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पर ऑप्शन में होना था, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से याद रखना, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आगे है, लोक आयसक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसको ध्यान से करिएगा। डोलोमाइट, सिडेराइट, गेलेना, एक यहां ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको रब कीजिएगा और यहां कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं। डोलोमाइट, सिडेराइट, गेलेना। देखो, जो लो आइसक होता है उसके जो है आइसक होते हैं या और होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और साथ में सिडेराइट भी उसका क्या होता है? आइसक होता है। अब आइसक क्या होता है या और किसे कहते हैं? देखो, जब किसी धातु के टुकड़े को, मान लो कोई धातु है और वो अर्थ के नीचे होगी,
और अर्थ के नीचे जब कोई अवस्था होगी तो कुछ तरह ऐसा दलदल देखने को मिलता है और बीच में धातु होगी। इस पूरे को बोलते हैं गैंग। जब यहां से किसी धातु को निकाला जाता है, मान लो यहां से गैंग से धातु को निकाला, अब उसके साथ थोड़े पार्टिकल होंगे, अब इसको बोलते हैं आयसक। क्या बोलते हैं? आयसक। और उसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाते हैं और फैक्ट्री में ले जाने के बाद इसका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है और फिर हमारे पास क्या आती है? एक शुद्ध धातु आती है। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद डोलोमाइट जो है, ये जो है मैग्नीशियम का आयसक होता है, Mg, जिसको हम बोलते हैं Mg का आयसक होता है। अब मुझे आप बताइए गैलेना का आयसक कौन सा होता है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी सेवा ऑयल आश्रम का संबंध किस जिले से है? ऊना, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू। देखो, जो ये गांधी जी सेवा ऑयल आश्रम का संबंध किस से जोड़ा जाता है, तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऊना होगा, इसको अच्छे से याद रखना। और इस आश्रम को जो बनाने वाले ग्रेट पर्सनैलिटी थे अनसुया बेन। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। जब भी ऊना की बात ही आए तो शिववाड़ी को याद रखना, पांडवों से इसका संबंध जोड़ा जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नंबर वन शिववाड़ी, नंबर दो शिववाड़ी के बाद अगर बातचीत की जाए तो गगरेट, गगरेट के बाद महतपुर। देखो महतपुर शराब इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। गगरेट, शिवबाड़ी, महतपुर, और इसका पुराना नाम जो है सोनभद्रा है। क्या है? सोनभद्रा है। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सोनभद्रा किसका नाम है। तो जो ऊना है उसका जो नाम है वो क्या है? सोनभद्रा है। शिवबाड़ी किसका नाम है, मतलब शिवबाड़ी स्टेशन कहां पर पड़ता है, ये आपको ऊना में देखने को मिलता है। ऊना जब अलग हुआ है तो ये जसवा से हुआ है, जसवा, और जसवा जो थी कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी। ऊना पहले होशियारपुर का पार्ट हुआ करता था, 1966 से पहले किसका पार्ट हुआ करता था? होशियारपुर का ये पार्ट हुआ करता था, होशियारपुर। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये सारा का सारा पता चल जाता है तो ऊना का नाम भी याद कर लो, पुराना नाम सोनभद्रा। बाबा बड़भांग सिंह मेला यहीं पर लगता है और कई मेले यहां पर लगते हैं, पर अभी के लिए इतना ही काफी है। स्वा नदी जो है इसे ऊना का शौक कहा जाता है। मानसून टाइप की रिवर है ये। कैसी रिवर है? मानसून टाइप की रिवर है। चंबा के बारे में मैं आपसे कई बार बातचीत कर चुका हूं। चंबा का पुराना नाम ब्रह्मपुत्रा हुआ करता, मतलब ब्रह्मपुरा हुआ करता था। एक बात चंबा की, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ये रावी नदी के आस पड़ोस में स्थित है। रावी नदी को लोकल डायलेक्ट में रोती या रोदी कहा जाता है। ये जो रावी है आपको अच्छे से याद रखना है। भांदल और जो ततांगरी है, भांदल और जो ततांगरी है वहां से अपना पानी लेती है, और ये दोनों ग्लेशियर है। ये भांदल और जो तांगरी है, जो भांदल और ततांगरी जो है, ये धौलाधर में देखने को मिलते हैं, धौलाधर। और ये जो धौलाधर है, धौलाधर को कई नामों से जाना जाता है, श्वेत पर्वत श्रृंखला। उसके बाद मोनाक पर्वत श्रृंखला और मध्य हिमालय में जो है धौलाधर पड़ता है। कहां पर? धौलाधर जो है मध्य हिमालय में पड़ता है, मिड हिमालय में ये देखने को मिलता है। जब ये चीजें आपको पता चल जाती है तो कांगड़ा के बारे में बातचीत करने से पहले रियासत चंबा जो है उसके संस्थापक मेरू वर्मन है। कौन है? मेरू वर्मन है।
और जो चंबा शहर है उसके संस्थापक साहिल वर्मन है। कौन से हैं? साहिल वर्मन है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। कांगड़ा के बारे में जब भी डिस्कस करें तो कांगड़ा जो पुराने समय में त्रिगत कहते थे उसका पाठ हुआ करता था। त्रिगत रावी ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र कहलाता था। त्रिगत के बारे में जब भी चर्चा आती है तो पाणिनि की अष्टाध्याय और अन्य कई ऐसे ग्रंथ हैं जो बताते हैं। कांगड़ा का जो नाम है नगरकोट, भीमकोट आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से, अपराध के हिसाब से, कुत्तों के हिसाब से, कुत्ते सबसे ज्यादा हैं कुत्तों के हिसाब से, या हम रोड की व्यवस्था की बात करें तो वो यहां पर ज्यादा है। कुल्लू देवभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। भीम मणिपाल इसके संस्थापक है। कई धार्मिक स्थल है जैसे पार्वती कुंड, वशिष्ठ कुंड, ब्रह्मा मंदिर, निर्मंड, मढ़ी टूरिस्ट प्लेस है, ढुंगरी जो हिरिम्बा देवी का मंदिर है, इसके साथ साथ ही बिजली महादेव मंदिर, कई ऐसे मंदिर है जो कुल्लू में देखने को मिलते हैं। यहाँ की कुल देवी हिडिम्बा है। यहाँ का दशहरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा है और सामान्य दशहरे के बाद में ये दशहरा मनाया जाता है। सामान्य जो दशहरे होते हैं उसके बाद में ये दशहरा मनाया जाता है। तो ये चीजें थी यहाँ से जो आपको याद रखनी है। चिंतापूर्णी शेगला का अन्य नाम है चिंतापूर्णी श्रृंखला का अन्य नाम है स्वा, नैनाधार, सतधार, चिंतपूर्णी। एक ऑप्शन और लिखिएगा यहां पर, सोला सिंगी। और ये सोला सिंगी इसका सही आंसर होगा यहां से। और जो सारे के सारे नाम है ध्यान से सुनना, जो चिंतपूर्णी है आपको पता हो कहां पर है, ऊना में। स्वा जो है वो आपको मैं बता चुका हूं कहां पर है, नदी है। नैनाधार जब भी बातचीत की जाए तो ये बिलासपुर में है। जो सतधार है, जो सतधार है उसमें सात धारे हैं और उन धारों में से जो नैनाधार है वो भी एक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलिए, कौन सा किला सिरमौर और जुब्बल की सीमा पर सिरमौर के राजा ने बनवाया? हरिपुर, धार, जैतक और मलौन। देखिए सिरमौर में ये जो किले हैं आपको देखने को मिलेंगे कुछ एक किले, हरिपुर इसका सही आंसर होगा। पहले तो ये देखिए, दूसरी बात, सिरमौर और जुब्बल के बीच ये किला जो बनवाया ये उनके बीच में सीमा का निर्धारण का काम भी करता था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। जातक भी जो है ये भी सिरमौर में है। जब गोरखों ने भारत के ऊपर जो हिमाचल के ऊपर आक्रमण किया उस दौरान ये काफी चर्चा में था। मनोर किला अगर बातचीत की जाए तो सोलन में देखने को मिलता है और सोलन में होने के साथ साथ ही ये एक शास्त्रागार है। शास्त्रागार अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने कुछ एक हथियार रखे थे, इसको लेकर ये किला भी डिस्प्यूट का कारण बना। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, निम्न में से संचित निधि से भारत व्यय कौन सा है? राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, ऋण अदायगी, उपरोक्त सभी। देखिए संसद निधि से भारत व्यय कौन सा है, ये क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा संचित निधि के बारे में जानना है। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि जो होती है अंडर आर्टिकल
आर्टिकल 266 में ये बात की गई है कि हमारा देश जो है उसकी जो सरकार है उसका एक खाता होगा जिसे संचय निधि कहेंगे। यहां पर क्या क्या आता है, जो रेवेन्यू होता है, जो राजस्व होता है, ध्यान से सुनना, राजस्व के साथ साथ ही राजस्व जो होता है उसको इसमें रखा जाता है। राजस्व के साथ जो हम दूसरे देशों से ऋण लेते हैं उसको भी संचय निधि में रखा जाता है। जो राजस्व आता है, जो हम ऋण लेते हैं उसको किस में रखा जाता है, उसको संचित निधि में रखा जाता है। और किस आर्टिकल में बातचीत की गई है, 266 में इसकी बातचीत की गई है। अच्छे से पढ़ना, समझा गया होगा मेरे विचार से। अब जो संचित निधि होती है उस पर दो तरह के व्यय होते हैं। एक को बोलते हैं संचित निधि से व्यय, संचित निधि से व्यय, संचित निधि से व्यय, और दूसरे को बोलते हैं संचित निधि से भारित व्यय। थोड़ा सा शब्दों को पकड़िए। देखो संचित निधि से भारित व्यय जो होते हैं, दो तरह के संचित निधि है जिसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 266 इसकी व्यवस्था की गई है, वहां से दो तरह के व्यय होते हैं। तो संचित निधि से भारित जो व्यय होते हैं उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। संसद में चर्चा होती है पर उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है, मतदान नहीं होता है। इस पे कैसे क्या क्या आता है, राष्ट्रपति का वेतन, यहां तक कि जो पेंशन होती है राष्ट्रपति की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो जो होती है वो भी संचित निधि से भारित व्यय होता है, उसको चार्ज कंसोलिडेटेड फंड चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब आपको ये सारी की सारी बातें पता चल जाती है तो आपको आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री का वेतन, मीन जितने भी वेतन होते हैं हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारे के सारे किस टाइप के व्यय होते हैं, किस टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो जो होते हैं संचित निधि से भारित व्यय होते हैं। ऋण अदायगी जो हमने कहीं दूसरे देश से ऋण लिया होता है तो उसकी जो अदायगी करनी है, और अदायगी कैसे की जाती है, अदायगी में ब्याज भी सम्मिलित होता, तो ब्याज भी किस टाइप का ब्याज है, ब्याज भी संचित निधि से भारित व्यय के अंडर तो ही आया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। जो संचित निधि होती है उसके ऊपर पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है भारत सरकार या भारत जो संसद होती है उसका होता है। अगर यहां से पैसा खर्च करना है तो संसद की परमिशन लेनी पड़ती है, बिना संसद की परमिशन से ना एक रुपया निकाला जा सकता है ना ही इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। मेरे विचार से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक दूसरी आती है लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि की जो बात की है 266 ए जो है वो संचित निधि के बारे में बातचीत करता है, और जो लोक लेखा निधि है उसमें क्या आता है, उसमें 266 आर्टिकल का भाग दो आता है, और इसमें कौन कौन सा पैसा आता है। देखो जो बैंकिंग में डिपॉजिट होता है क्या होता है, क्या क्या आता है इसमें, नंबर वन जमा, ठीक है, भविष्य निधि, भविष्य निधि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं भविष्य निधि, उसके बाद न्याय पत्र, न्याय पत्र आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, तो वो जो फीस लगती है वो कहां जाती है, लोक लेखा निधि जो होती है उसमें चली जाता है, वो पैसा उसमें चला जाता है। दूसरी बात कि जो पोस्टल टिकट होते हैं उसका भी खर्चा होता है, ऐसे कई खर्चे हैं जो लोक लेखा निधि में रखे जाते हैं। और लोक लेखा निधि जो का सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल यह है, जो लोक लेखा निधि होगी, सॉरी लोक लेखा जो निधि होगी वहां से अगर पैसा खर्च करना है तो जो कार्य
कार्य संस्था होती है या जिसको हम वास्तविक कार्यपालिका बोलते हैं, वो यहां से एक प्रस्ताव प्रपोजल पास करके यहां से पैसा खर्च कर सकती है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखती। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामने, 267 आर्टिकल में आकस्मिक निधि की बात की हुई है। कौन सी निधि? आकस्मिक। जो ये आकस्मिक निधि है, इसके अंदर जो पैसा जमा किया जाता है, जो हमारी संसद होती है, संसद ने एक अधिनियम बनाया 1950 में, और इस निधि का निर्माण किया, और संसद कानून बनाकर इस निधि में पैसा भी डिपॉजिट करती है। लगभग वर्तमान में 50 करोड़ रुपया कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि में होना चाहिए। अब इसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? तो जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि जो होती है, कंटिजेंसी फंड जो होता है, उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति ही यहां से पैसा निकालता है, वही यहां से पैसा खर्च कर सकता है। और डिपॉजिट करने की बात रही तो संसद के पास पावर है। अब यहां से जो पैसा खर्च करना है तो कहां कहां पैसा खर्च किया जाता है? विपत्ति के लिए, अकाल आ जाए, आपदा आ जाए, या देश में जब संकट हो उस दौरान राष्ट्रपति यहां से उस पैसे को निकालकर उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसका यूज करता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहां जो आंसर था उपरोक्त सभी, इसका क्या था आंसर? था उपरोक्त सभी, इसका आंसर था। तो मेरे विचार से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आप जहां भी हो, जिस जगह पर भी हो, आपको क्या करना है? खुश रहना है, और साथ में बड़ों का करना है सम्मान, उनका करना है आदर और सत्कार, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।